जय हिंद दोस्तों, ऑल इंडिया स्टूडेंट कम्युनिटी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास में हम एवरेज का पार्ट सेकंड करने वाले हैं। और एवरेज में मैंने इससे पहले वाला पार्ट करा दिया था जो कि फर्स्ट पार्ट था, और फर्स्ट पार्ट में मैंने लगभग 10-15 क्वेश्चन कराए थे। तो जिसको एवरेज के बारे में अच्छे से समझना है, बहुत सारे पॉइंट मैंने पहले वाले पार्ट में बताए थे, ठीक है, कुछ पॉइंट मैं इसमें बताऊंगा और बहुत सारे क्वेश्चन भी कराऊंगा। जैसे पहला क्वेश्चन आपको दिख भी रहा होगा बोर्ड पे कि इस क्वेश्चन में है क्या। ये क्वेश्चन अगर आप किताब में देखोगे तो आपका सॉल्यूशन बोर्ड एक पेज पे भरा हुआ मिल जाएगा, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करा दूंगा, क्वेश्चन पढ़ेंगे और तुरंत आंसर लगा दोगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको जो हर वीडियो में बताता हूँ, अपने हाथों में एक पेन और एक रजिस्टर ले लेना है और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। हमारी सबसे बड़ी कमी ये होती है कि हम 2 मिनट के लिए एक चैनल देखते हैं, 2 मिनट के लिए एक चैनल देखते हैं और 2 मिनट के लिए अलग, और पूरा दिन ऐसे ही वेस्ट करते रहते हैं और हमारे कुछ पल्ले नहीं पड़ता, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक ही वीडियो देखें, चाहे आप मेरा चैनल देखें या कोई भी एक चैनल देखें, कोई भी एक चैनल देख सकते हो आप, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरा ही चैनल देखें, लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, जो मैं एवरेज का चैप्टर कराऊंगा, एवरेज पे आधारित है। आपका परसेंटेज में भी यूज़ होगा, ये कहीं ना कहीं रेशो एंड प्रोपोर्शन में भी यूज़ होगा, कई चैप्टरों में इसका यूज़ होगा, ठीक है। जैसे एलिगेशन वगैरह में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, एलिगेशन मेथड लगता है, इसके भी बहुत सारे सवाल उससे हल हो जाते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं, और अपने हाथों में एक पेन और एक रजिस्टर ले लेना है। जो जो चीज़ें मैं नोट कराता हुआ चलूँ वो नोट करते हुए जाना है, जो पॉइंट मैंने पहले ही लिख रखे हैं उनको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन एक बार मैं पढ़ के बता देता हूँ। पहले क्वेश्चन में क्या है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत तापमान 60 डिग्री सेल्सियस है। मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार का औसत तापमान 63 डिग्री सेल्सियस है। यदि सोमवार और शुक्रवार का औसत तापमान, देखो भाई इसमें क्या कहा गया है, सोमवार, एक तो कहा गया है इसमें सोमवार, और दूसरा क्या है इसमें, सोमवार और शुक्रवार दोनों का जो तापमान का अनुपात है वो कितना है, 21:25 है। कितना है, 21:25। तो क्वेश्चन में कहा गया है तो शुक्रवार का तापमान क्या होगा, शुक्रवार का तापमान बताना है मुझे। आप ये बताइए कि जो शुक्रवार का तापमान है, ऑप्शन ये दे रखे 70, 73, 75 और 78, ये वाले ऑप्शन गिवन है। मुझे आप ये बताइए कि जो शुक्रवार का तापमान रहा होगा 25 का गुणज रहा होगा, 25 का गुणज ऑप्शन में केवल 75 ही है, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बेहद आसान सा सवाल था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी, ठीक है, इसको ध्यान से समझिए। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 7 मित्रों में से प्रत्येक ने एक प्रोजेक्ट पर 14 रुपये खर्च किए। देखो भाई ये 7 मित्र थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये 7 मित्र थे, इन्होंने एक प्रोजेक्ट पर 14 रुपये खर्च किए। 14 इसने किए, 14 इसने किए, 14 इसने किए और 14 इसने किए, 14 इसने किए, 14 इसने किए, ठीक है। फिर क्या कहा इसमें से सभी, तथा 8वें मित्र ने, 8वां मित्र थोड़ा सा अमीर टाइप का बोल सकते हैं, अमीर टाइप का था, उसने क्या करा, 8वें मित्र ने सभी 8 के औसत खर्च से 21 रुपये ज़्यादा खर्च किए। मतलब इसने, जो 8वां बंदा था उसने 21 रुपये एक्स्ट्रा खर्च किए, कितने रुपये, 21 एक्स्ट्रा खर्च किए। तो जब 21 एक्स्ट्रा खर्च किए होंगे तो 3 तो इसके बदले के क्यों हो गए, वे सब पे इन 7ों पे ही तो खर्च किए उसने 21 एक्स्ट्रा, तो 3 इसके बदले के। देखो ये इस सवाल में कुछ नहीं है, डायरेक्ट हो जाएगा ये, 3 इसके बदले के, 3 इसके बदले के, टोटल हो गए 21 इन्होंने इसके बदले के खर्च कर दिए। मतलब इसके भी 17 हो गए, इसके भी 17, और इसने अपने 17 तो किए ही होंगे, ठीक है। तो तभी तो औसत खर्च कितना आया होगा, सभी का 17 आ गया होगा। अब हमें बताना है उनके द्वारा खर्च की गई कुल राशि कितनी है, तो 17, 17, अभी इनको भी 17 ही मान लेंगे, अभी 14 नहीं मानेंगे। तो टोटल बंदे कितने हो गए, टोटल बंदे हो गए यहाँ पे 8, ठीक है। प्रत्येक ने कितना खर्च किया, 17, एवरेज हो गया अब 17, ठीक है। तो योग निकालना है, योग निकालने के लिए क्या करेंगे हमें, 17, 8, 136 आपका आंसर आ जाएगा। एक तो ये वाला तरीका है, दूसरे वाला तरीका आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट लो, वरना फिर मैं इसको ऑप्शन मेथड से करा देता हूँ। देखो ऑप्शन मेथड क्या है, ऑप्शन में 1, 3, 3,
और दूसरा है 136, तीसरा क्या है 141, और चौथा क्या है 155 है। मुझे आप ये बताइए कि उनके द्वारा खर्च की गई कुल राशि कितनी है, टोटल बंदे कितने थे, 8। तो सीधी सी बात है, जो भी उन्होंने खर्च किया होगा वो 8 के गुणज के रूप में ही खर्च किया होगा। 8 का गुणज कौन सा है इसमें, 136 है, केवल 8 का गुणज, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे आते हैं जो ऑप्शन मेथड से हल हो जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी ऐसा ही क्वेश्चन है, बेहद आसान सा है। कितने मित्र हैं, 11 मित्रों में से प्रत्येक ने एक भ्रमण पर 19 रुपये खर्च किए। प्रत्येक ने 19 रुपये खर्च किए, देखो 11 मित्र थे, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवा आठवा नौवा दसवा ग्यारहवा। प्रत्येक ने कितने किए, प्रत्येक ने 11 रुपये खर्च किए, सॉरी 19 रुपये खर्च किए। तो 19 और 11 की गुणा कर दे तो टोटल खर्च आ जाएगा इनका, ठीक है, जितने भी इन्होंने खर्च किए होंगे। तथा 12वें मित्र ने सभी 12 के औसत खर्च से 11 रुपये कम खर्च किए। इसका मतलब क्या होगा, सभी के औसत खर्च से इसने 11 रुपये खर्च कम किए। मुझे आप ये बताइए कि जो 11 रुपये कम खर्च किए, एक तो इसके बदले का कम क्या होगा, एक इसके बदले का, एक इसके बदले का। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में ज्यादा खर्च किए थे तो एक्स्ट्रा खर्च किए थे, ठीक है, उसके पास ज्यादा थे, इसके पास एक एक कम था सभी के बदले का। तो इसने कितने खर्च किए, सभी का औसत आ गया, पहले 11 था, अब रह गया कितना, अब टोटल कितना हो गया यहाँ पे 12। टोटल 12 औसत आएगा। औसत पता है 12 कैसे आएगा, औसत 12 इसलिए आएगा, सॉरी औसत 12 नहीं आएगा, टोटल बंद हो गए, टोटल 19 था भाई, ये 11 नहीं, यहाँ पे कितना था, 19 था। ठीक है, तो 19 को समझ लेते हैं, 19 में से एक के बदले इसने खर्च किया, तो यहाँ पे इसके बदले इसने टोटल खर्च कितना किया होगा, 18 इसने, 18 इसने, 18 इसने, तो टोटल बंदों ने मिला के 11 तक का 18 खर्च किया होगा, और खुद भी इसने 18 खर्च किया होगा, जो 8 जो बंदा था यो, तो इसने भी 18 खर्च किए। हमें बताना था उनके द्वारा खर्च की गई कुल राशि कितनी है। ये बताइए कि बंदे कितने हो गए टोटल में, 12, क्योंकि 11 तो बंदे पहले ही थे शुरू में ही, 11 तो पहले ही थे, एक हो रहा गया जिसने 11 रुपये कम खर्च किए थे, तो टोटल बंद हो गए 12। अब प्रत्येक का एवरेज कितना आ गया, एवरेज आ गया एक के इसके बदले का कम, एक इसके बदले का, एक इसके बदले का, सबके बदले का, एक का कम भी खर्च कर दिया। पहले एवरेज 19 था, अब एवरेज कितना हो गया, 18 रह गया। योग निकालने के लिए क्या बताया था मैंने, योग निकालने के लिए 18 12 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 216 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक तो भाई ये वाला तरीका है, दूसरे वाला तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ ऑप्शन मेथड से। जैसे ऑप्शन में था 216, 236 और 227 और फिर कितना था, 247। मुझे आप ये बताइए कि टोटल बंदे कितने थे, टोटल बंदे थे यहाँ पे, प्रत्येक का औसत खर्च 18 आया। ठीक है, तो हमें ये बताना कि जो भी 18 का गुणज होगा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये 18 का गुणज नहीं, 18 का गुणज नहीं हो सकता, ये वाला 18 का गुणज नहीं हो सकता। ठीक है, क्लियर, तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। या फिर टोटल बंदे कितने थे यहाँ पे, 12 थे ना, 12 का गुणज देख लो, 12 कम 12 और यहाँ पे 9, 96 हो गया। यहाँ से देखो 12 अट्ठे 96, 12 कम 12 और यहाँ पे 11 बच गया, ये भी नहीं कटने का, ये भी नहीं कटने का, 12 से ये भी नहीं कटने का, 12 से डिवाइड कर लो। ठीक है, या फिर एवरेज का देखो, मैंने फॉर्मूला ही बताया था, एवरेज बराबर सिग्मा एन बटे एन, पहले वाले पार्ट में बताया था सिग्मा एन क्या होता था, योग होता था। अगर मुझे सिग्मा एन का मान निकालना तो एवरेज की एन में गुणा कर देते हैं, एवरेज गुणा एन, एन का मतलब क्या हो गया था यहाँ पे, पदों की संख्या, पदों की संख्या टोटल होगी थी 12 और प्रत्येक का एवरेज कितना था, अब 18 रह गया था, तो दोनों का योग, सभी का योग निकालने के लिए एवरेज की संख्या के साथ गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 216। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा था। अब चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, चलो देखो क्वेश्चन क्या है। किसी मंदिर में एक सप्ताह में औसतन 75 फल चढ़ाए गए। औसतन 75 फल चढ़ाने का मतलब है कि प्रत्येक दिन 75 ही मान लो, वो सब क्या कर देता है, बराबर कर देता है। मतलब यहाँ पे भी 75 चढ़े, यहाँ पे भी 75, औसतन 75। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ठीक है, सबको क्या हुआ, 75 75 रुपए क्या हो, फल चढ़ाए गए, सॉरी रुपए नहीं, फल चढ़ाए गए। मंगलवार को छोड़कर अगर मैं मंगलवार का टाइम निकाल लूँ, इसमें से मंगलवार के फल निकाल लूँ, तो 6 दिनों में औसतन 72 फल हो गए। तो
यहाँ पे बात था, यहाँ पे बात था, और यहाँ पे बात था, और यहाँ पे बात था, यहाँ पे भी बात था, और यहाँ पे भी बात था। ये 6 दिन का औसतन तापमान कितना है? औसतन फल फूल कितने हैं? ये फल है, फूल फल है, ठीक है, तो कितने हैं? 72 है। तो जो मंगलवार को चढ़ाए होंगे, मंगलवार को 75 तो चढ़ाए होंगे, और तीन तो इसके बदले के चढ़ावा देखो मंगलवार में, तीन इसके बदले के, तीन इसके बदले के, टोटल 6 के बदले के 58 एक्स्ट्रा चढ़ाया होगा, तभी तो औसत में क्या हो गया? कमी आ गई। देखो भाई, अगर औसत में कमी आ गई एक बंदे के निकालने से, तो इसका मतलब वो ज्यादा वैल्यू ले रहा होगा। ये पॉइंट आप में जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से समझो। अगर हमने एक बंदा निकाल दिया, यहाँ पे लड़के ही होते, फल या फूल ना होते, तो अगर यहाँ पे बंदे ही होते, जैसे मान के चलो 7 लड़कों का औसत वजन ये है 75 किलोग्राम है, ठीक है, उनमें से एक बंदा चला गया तो औसत में कमी आ गई। जब कोई बंदा जाएगा और बंदे के जाने से या लड़के के जाने से औसत में कमी आवे, तो इसका मतलब वो औसत से ज्यादा लेके जाएगा, ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट, आगे के जो क्वेश्चन आओगे ना उनमें यूज होगा है। दूसरा पॉइंट, अगर सातवां बंदा जाता है और उसके जाने से औसत में वृद्धि होती है, जैसे 75 की बजाय 76 हो जाए, 77 हो जाए, 88 हो जाए, 80 हो जाए, कितना भी हो जाए, इसका मतलब यू कम लेकर गया होगा, औसत से कम लेकर गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे औसत में क्या हो रही थी? कमी हो रही थी, औसत में इसके जाने से कमी हो रही थी, तो इसका मतलब यू एक्स्ट्रा लेकर गया होगा। एक्स्ट्रा कितना लेकर गया होगा? 18। 75 प्लस 18 93 आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपके UPSI में, SSC GD में भर भर के आएंगे, इन क्वेश्चनों को आप इंपोर्टेंट लगा लीजिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन है, देखो भाई, आप देखो फटाफट करते जाएंगे इन क्वेश्चनों को, कुछ नहीं है, बिल्कुल चूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहा गया है? एन संख्याओं का औसत एक्स है, एन संख्याओं का, एन संख्या है, उनका एवरेज कितना है? उनका जो एवरेज है वो कितना है? आपका एक्स है। फिर क्या कहा? यदि संख्याओं में से प्रत्येक से 36 घटा दिया जाए, यदि दो संख्याओं में से, किस में से? दो संख्याओं में से प्रत्येक में से 36 घटा दिया जाए। जब दो संख्या और प्रत्येक भी कहा गया, इसका मतलब पहली संख्या में से भी 36 घटाया गया, दूसरी में से भी 36 घटाया गया, तो टोटल कितना घटाया गया? 76 घटाया गया, इतना जोड़ घटाया गया, तो एवरेज में क्या होगा? एवरेज बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी थी? एन। पदों की संख्या कितनी थी? एन। इस एन को तो यहाँ पे ले आओ, एवरेज को यहाँ पे ले आओ, एन बराबर 76, और सॉरी 36 × 72 होता है ये, 76 नहीं होगा, 72, ठीक है, 72 को एवरेज को यहाँ पे ले आओ। मुझे आप ये बताइए कि एवरेज पहले कितना था? एक्स। अब एवरेज कितना हो जाता है? नया एवरेज हो जाता है x-8, इसका मतलब 8 की कमी हो गई। 8 की कमी किससे हुई? वह 72 के निकल जाने से। इसका मतलब एवरेज में 8 की कमी कर दो, एन का मान 8 × 72, एन का मान 9 रहा होगा, 9 ही क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल लगा लेगी इस सवाल को, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा भी तरीका है वैसे तो करने का, वो फॉर्मूले वगैरह से, तो फॉर्मूले वगैरह से नहीं करेंगे इस सवाल को, हम इसी से ही कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो भाई, इस तरह का सवाल, ABCD निम्न 5 क्रमागत सम संख्या है, ABCD और E है, औसत निरूपित करता है। तो 5 संख्याएं है भाई, कौन सी है? क्रमागत सम संख्या, क्रमागत क्रमागत सम संख्या कौन कौन सी है? क्रमागत सम संख्या है ABCD और ई। एक तो मैं आपको बता दूं, ये वाली क्या थी? क्रमागत सम संख्या का मतलब होता है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, और क्रमागत विषम संख्या का मतलब होता है 1, 3, 5, 7, 9, 11, और क्रमागत पराकृत संख्या होती है 1, 2, 3, 4, 5। और औसत मैंने क्या बताया था? औसत बीच की वैल्यू होता है, और औसत निकालने के लिए अगर डिफरेंस बराबर हो तो छोटी संख्या प्लस बड़ी संख्या बटे 2 होता है, ठीक है। अगर मुझे आप ये बताइए कि यहाँ पे सम संख्या है, सम संख्या मैंने यहाँ पे शुरुआत की, मान ली 2, 4, 6, 8 और 10, ठीक है, सब में 2-2 का डिफरेंस है। जब डिफरेंस इक्वल हो, तो मैंने पहले वाले पार्ट में बताया था आपको डिफरेंस क्या है, इक्वल डिफरेंस है हमारा, इक्वल, तो मैंने पहले वाले पार्ट में बताया था आपको छोटी संख्या प्लस बड़ी संख्या बाई 2 होता है, इसका एवरेज कितना आ जाएगा? 6, और 6 क्या थी? हमारी बीच की वैल्यू थी। तो एवरेज क्या होगा? एवरेज निकालने के लिए छोटी संख्या प्लस बड़ी संख्या
बाई टू कर देते हैं, और औसत बीच की वैल्यू भी होता है, औसत बीच की वैल्यू भी होता है। तो देखो भी इसका औसत कितना हो गया, 6। यहाँ के अकॉर्डिंग इसका औसत सी भी हो गया। दूसरा एक और एवरेज हम इसका निकाल सकते हैं, एक तो एवरेज हमने वाला निकाल लिया इसका 6, एक ऐसे भी निकाल लिया छोटी संख्या प्लस बड़ी संख्या ये निकाल लिया, एक एवरेज ऐसे भी निकाल सकते हैं। इस पॉइंट को ध्यान से समझियो क्योंकि इसके बेस के 3 सवाल आओगे और तीनों सवाल में अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे इस वाले को, इस वाले को अभी ऐसे भी कर सकते हैं, दूसरे नंबर की छोटी संख्या और दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या उन्हें दोनों को जोड़ो तब भी 2 से डिवाइड करो तो तब भी कितना आएगा आंसर, 6 ही आएगा। कितना आएगा, 6 ही आएगा। मतलब ये हुआ इसका कि इस सवाल में अगर मुझे एवरेज निकालना हो तो एवरेज निकालने का, देखो अगर ये संख्याएं हमारी सम संख्याएं गिवन है तो एवरेज एक तो हमारे सी हो जाएगा, एक तो एवरेज क्या हो जाएगा, सी। क्योंकि एवरेज क्या होता है, बीच की वैल्यू होता है, कब, जब डिफरेंस इक्वल है। जब ये सम संख्या है तो बीच में डिफरेंस तो इक्वल होगा ही, समान होगा, बराबर होगा। तो एवरेज कितना हो गया, सी। दूसरा एवरेज छोटी संख्या प्लस बड़ी संख्या ए प्लस ए बाई टू भी हो जाएगा। तीसरा एवरेज कैसे निकालेंगे, दूसरे नंबर की छोटी संख्या दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या बाई टू भी कर लेते हैं, ये वाला ऑप्शन में गिवन है तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, चलते अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 25 है तो उनमें सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा। देखो इस पॉइंट को याद रखो आप, जो भी एवरेज है, एवरेज क्या होता है, बीच की वैल्यू होता है, इस पॉइंट को याद रखो। तो एवरेज को बीच में ही रख लो, औसत कितना है 25 है और 6 क्रमागत सम संख्याएं है तो एवरेज तो 25 है, तो एवरेज 25 किसका रहा होगा, 24 का और 26 का रहा होगा, क्योंकि 2 संख्याएं 24 और 26 रही होगी, तब भी उनका एवरेज कितना रहा होगा, 25 ही रहा होगा। सम संख्या मिल गई, इससे पहले सम संख्या 22, इसके बाद वाली सम संख्या 28, जितना ही इधर घटते हुए चले उतना ही एवरेज के राइट साइड में जोड़ते हुए चले तो एवरेज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैंने क्या करा, 2 और इधर से घटा दिया 20, उधर तो और संख्या बढ़ा दी तो यहाँ हो गया 30। देखिए 6 लगातार सम संख्याएं मिलेगी क्या, 20 22 24 26 28 30, कोई एक्स वगैरह नहीं मानना, आपको डायरेक्ट हल करना है ये, ठीक है। तो कैसे करेगी, यदि 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 25 है तो उनमें सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर, सबसे बड़ी संख्या 30 और सबसे छोटी संख्या कितनी है 20, दोनों का अंतर, अंतर का मतलब होता है घटा, और अंतर का मतलब एक चीज और बता देता हूँ, बड़ी संख्या में से ही छोटी संख्या घटाई जाती है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलते अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसकी तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे, 6 क्रमवार विषम संख्याओं का औसत 48 है, अब की बार एवरेज कितना है, एवरेज को ऐसा सवाल जहां पे भी आए एवरेज को बीच में रख लो, एवरेज कितना है आपका 48, एवरेज कितना है 48 है, ठीक है, एवरेज है आपका 48। तो इससे पहले वाली संख्या क्या रही होगी, विषम संख्या 47, और इसके बाद वाली विषम संख्या कितने रही होगी 49, इससे पहले वाली विषम संख्या 45, इसके बाद वाली विषम संख्या 51, इससे पहले वाली विषम संख्या 43, इससे पहले वाली विषम संख्या इसके बाद वाली सॉरी 53। तो इसमें यही कहा गया था कि 6 क्रमवार, क्रमवार का मतलब होता है लगातार, 6 लगातार विषम संख्याएं मिलेगी, 43 45 47 49 51 53। देखो यहाँ पे एवरेज को संख्या में काउंट नहीं करेगी, यहाँ पे नहीं करेगी, कुछ जगह यूज होगा, कुछ जगह ये संख्या भी यूज होगी, यहाँ पे तो एवरेज है, कुछ जगह संख्या भी यूज होगी और एवरेज भी यही यूज होगा, ठीक है। तो इन सवालों की प्रैक्टिस करो तब हमें पता चल जाएगा कि कहाँ पे इसका यूज होगा कहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, तो न्यूनतम तथा अधिकतम संख्याओं के बीच का अंतर क्या है, न्यूनतम अधिकतम कितनी है 53, अंतर बताना है, तो अधिकतम तो है इसमें 53 और न्यूनतम कितना है इसमें 43, दोनों का डिफरेंस यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस ये वाला भी, ठीक है। चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 42 है तो एवरेज कितना है 42, एवरेज कितना है 42, तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं के बीच अंतर। देखो सम संख्याएं है, इससे पहली सम संख्या 40, इसके बाद वाली सम संख्या 44 होगी, क्योंकि 40 42 और 44, आपकी बार एवरेज को संख्या भी लेनी पड़ेगी
और एवरेज भी लेना पड़ेगा। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। इससे पहले हुए सम संख्या 38, इसके बाद वाली सम संख्या 40। अब हमें बताना था सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर बताना था, तो अंतर कितना आएगा, 40 माइनस सबसे छोटी संख्या 38, तो 8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर। देखो आज की इसमें क्लास में मैं 25 क्वेश्चन कराऊंगा, 25-26, और सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप उन्हें लगा कर देखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, इनमें सबसे छोटी संख्या क्या है। देखो एवरेज को कहाँ पर रख दो, कहाँ बताया मैंने, बीच में रख दो, 27, 27 से पहली सम संख्या 26, इसके बाद वाली सम संख्या 28, इससे पहली सम संख्या 24, इससे पहली सम संख्या, इसके बाद वाली सम संख्या 30। चार क्रमागत सम संख्याएं मिल गई ये वाली, अब की बार एवरेज काउंट नहीं होगा, तो इनमें सबसे छोटी बतानी थी, सबसे छोटी संख्या तो कौन सी होगी, सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी इसमें, 24 होगी, कौन सी होगी, 24 होगी। ठीक है, चलते अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट भी यही है, चार लगातार सम संख्याओं का औसत 23 है, इनमें इनमें क्या होगा, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, बेहद आसान है। देखो भाई चार लगातार सम संख्याओं का औसत 23 है, देखो यूट्यूब पर बहुत सारे नियम मिल जाएगा कि इनको डायरेक्ट कैसे निकाले, इसको डायरेक्ट कैसे निकाले, वो ट्रिक ना याद करके, बस इतना ही टाइम इसमें लगेगा, इतना ही समय लगेगा, उसमें गलती होने के चांस रहेगा, इसमें गलती होने के चांस आपके खत्म हो जाएंगे। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, औसत कितना है 23 है, इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या, चार लगातार सम संख्या, इससे पहली सम संख्या 22, यहाँ पे 24 लिख दो, यहाँ पे 20, यहाँ पे आप 26 लिख दो। हमें क्या बताना था, इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या 20, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या हो जाएगी आपकी 20 हो जाएगी, 20 ही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो ये वाला क्वेश्चन फिर से आ चुका, इस क्वेश्चन का आपकी बार यहाँ पर ऑप्शन में कुछ और है। ठीक है, क्या कहा गया है क्वेश्चन में, यदि ए बी सी डी पांच क्रमागत विषम संख्याएं हैं, ए बी सी और डी और ई, क्या कहा गया इसमें, तो उनका औसत क्या होगा। देखो भाई इनका औसत मैंने बताया, औसत में क्या हो सकता है, औसत एक तो सी होगा इनका, दूसरा औसत क्या होगा इन्हीं का, ए प्लस ई बाई टू भी लिख लेंगे हम इसको, तीसरा औसत क्या होगा, तीसरा औसत होगा बी प्लस डी बाई टू भी लिख लेंगे, तो ना तो ये ऑप्शन में ना ही ऑप्शन में, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन फोर इसका आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन फोर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब तीसरी बार ये वाला सवाल आएगा अब की बार इनमें से भी हो सकता है, देखो हमें खुद लगाना पड़ेगा। देखो कैसे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जब ये क्वेश्चन दोबारा से आएगा, तीसरी बार आएगा, तब बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांच क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है, पहली संख्या ज्ञात कीजिए। पांच क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है, 100 है, पांच क्रमागत संख्या में ले लिया हमने, एवरेज कितना है उनका, 100 है, क्रमागत संख्या है ना तो सम ना ही विषम, क्या करना है, बीच में रख लो, इससे पहली 99, इसके बाद 101, इसके बाद वाली 102, इससे पहले वाली 98। ठीक है, क्या पांच लगातार, अब की बार एवरेज भी काउंट होगा क्योंकि 98, 99, 100, 101, 102, क्रमागत पराकृत संख्या 1, 2, 3, 4, 5, एक का डिफरेंस होता है सब में। ठीक है, कितने का डिफरेंस होता है, एक का, तो इसमें पहली संख्या बतानी थी, पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या कह लो या फिर क्या कह लो इसको, छोटी संख्या भी हम इसको कह सकते हैं, 98 आ जाएगी, 98.3 FM। ठीक है, सुना होगा आपने पहले, अब तो खैर वो टाइम तो गया FM वाला, छोड़ो इसको, तो आंसर कितना आएगा आपका, देखो ये वाला रेलवे में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट आया, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, लगातार पांच सम संख्याएं हैं, लगातार पांच सम संख्याएं ए बी सी डी और ई, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए आप इस तरह का सवाल। ठीक है, उनका औसत कितना है, उनका औसत है 52, मैंने आपको बताया था औसत होता है बीच की वैल्यू, तो इसका मतलब सी का मान कितना रहा होगा, 52 रहा होगा, इससे पहले वाली सम संख्या क्या रही होगी, 50 रही होगी, इसके बाद वाली 54 रही होगी, इससे पहले वाली या 48 रही होगी, और यह कितनी रही होगी, 56 रही होगी। ठीक है, तो देखो ए बी सी डी के मान हमें डायरेक्ट ही मिल गए, तो हमें बताना था बी और ई का गुणनफल, बी और ई का गुणनफल, बी का मान 50, ई का मान कितना, 56, 56 पंजे कितना हो जाएगा, 28,
2800 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप मुझे इसका आंसर करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, देखो 9 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है, 9 संख्या है, टोटल संख्या कितनी है 9, और उनका एवरेज कितना है, एवरेज है उनका एन। तो इसमें बताना था उनमें से दो अगली संख्या भी शामिल कर ली जाए तो नया औसत कितना होगा। देखो भाई ये वाला पॉइंट है जो मैंने पहले लिख रखा, यदि लगातार एन प्राकृत संख्याओं का औसत एक्स है तो आगे की अगर मैं 5 संख्या जोड़ दूं तो औसत में कितने की वृद्धि हो रही, 2.5 की। मतलब 5 की जितनी भी संख्या जोड़ रहे उसका आधा कर दो तो उतने की औसत में क्या हो जाती है, वृद्धि। अगर मैं यहाँ पे 6 संख्या जोड़ता तो यहाँ एवरेज हो जाता x+3। ये 2.5 है भाई, 25 नहीं आए, ये 2.5 है मतलब ढाई। 5 संख्या जोड़ रहा तो ढाई की वृद्धि, 6 संख्या जोड़ रहा तो औसत में 3 की वृद्धि, 10 संख्या जोड़ूंगा तो औसत में 5 की वृद्धि, 20 संख्या जोड़ूंगा तो औसत में 10 की वृद्धि। मतलब जब भी प्राकृतिक संख्या जोड़ी जाएगी आगे की, 2, 3, 4, 5 जितनी भी जोड़ी जा रही औसत में उसके आधे की वृद्धि हो जाएगी। तो पहले औसत कितना था, औसत था पहले 9 क्रमागत संख्याओं का औसत एन है, एवरेज कितना है यहाँ पे एन, कैपिटल में एन मान लो, संख्या कितनी थी 9, यदि उनमें से दो अगली संख्या भी शामिल कर ली गई तो दो संख्या और शामिल कर ली गई तो एवरेज कितना हो जाएगा, एवरेज में 1 की वृद्धि हो जाएगी, n+1, 1 की वृद्धि, ऑप्शन डी हो जाएगा। ये वाला इंपॉर्टेंट सवाल लगा लेंगे, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा क्वेश्चन है। चलते अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो एक बार मैं इसको थोड़ा ब्रीफली बता देता हूँ कि ये वृद्धि कैसे होती है क्रमागत संख्याओं में। जैसे अगर क्वेश्चन में एक आ गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 संख्याएं थी और 7 संख्याओं का औसत था यहाँ पे 4। ठीक है, इसी पॉइंट को मैं दोबारा से बता रहा, अगर मैंने इसे आगे की 4 संख्याओं शामिल कर दी, 4 संख्या कौन सी शामिल करी, देखो एक तो मैंने 8, 9, 10 और 11, ये 4 संख्या शामिल कर ली, टोटल संख्या हो गई 11। एवरेज कितना हो गया, अब इनका एवरेज हो गया 6। मतलब पहले एवरेज कितना था 4, एवरेज पहले कितना था 4, अब नया एवरेज कितना हो गया 6, कितने की वृद्धि हो गई, 2 की। कितनी संख्या शामिल करने से, 4 संख्या शामिल करने से 2 की वृद्धि होगी, तो इसका मतलब 2 संख्या शामिल करने से 1 की वृद्धि होगी, 6 संख्या शामिल करने से 3 की वृद्धि होगी। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, चलते अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 क्रमागत संख्याओं का औसत 6.5 है, एवरेज कितना है, एवरेज है 6.5, क्रमागत संख्या है, क्रमागत संख्या ना तो सम है ना विषम है, तो इसका मतलब 6 और 7 का एवरेज रहा होगा, ये क्या रहा होगा, 6 और 7 का एवरेज रहा होगा, क्योंकि ये 6 और 7 के बीच में ही है। तो ये वाली हमें क्या नहीं लेनी, आपके पास संख्या नहीं लेनी, क्योंकि क्रमागत संख्याएं कौन सी होती है, 1, 2, 3, 4, 5 होती है, उनमें से 8 क्रमागत लेनी है। इससे पहले 5, 4 और 3, 4 इधर ले दो, जब 8 है तो 4 इधर ले दो, 4 उधर ले दो, 10 होती तो 5 इधर, 5 इधर, 20 होती तो 10 इधर, 10 इधर। ठीक है, 7, 8, 9, 10, 4 इधर ले दी, 4 इधर ले दी, टोटल हमें मिल गई 8 क्रमागत संख्याएं मिल गई, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो उनमें से सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का औसत। तो देखो भाई जो भी मैंने बताता औसत क्या होता है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का भी औसत सेम ही होगा, क्या होगा, सेम ही होगा, इस पॉइंट को याद रखो। दूसरी सबसे छोटी, दूसरी सबसे बड़ी संख्या का औसत भी सेम ही होगा, तो इसे याद रखो। औसत कैसे निकालेंगे, छोटी संख्या प्लस बड़ी संख्या बाई 2, 13 बाई 2 करेंगे तो 6.5 ही आएगा, आपका आंसर कितना आएगा, 6.5 ही आएगा, तो सेम ही आएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा इसका आंसर, कितना आएगा, ऑप्शन बी। तो आपको ये वाला पॉइंट भी याद रखना है, ये वाला भी पॉइंट का एक एक दो सवाल आ सकता है। 7 लगातार आने वाले धन पूर्णांकों का औसत 26 है, इन पूर्णांकों में सबसे छोटा कौन सा होगा, ये भी अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल हम इसको कह सकते हैं। एवरेज कितना है, लगातार है 26, तो 7 लगातार है तो इसका मतलब 3 इधर रही होगी, 3 इधर, 1 ये स्वयं रही होगी, टोटल 7 होगी होगी, इससे पहले वाली 25, इससे पहले वाली 24, इससे पहले वाली 23, इसके बाद वाली 27, 28, 29। ठीक है, और इसको भी शामिल कर लो, अब की बार एवरेज भले ही हो ये,
एवरेज भी था और संख्या भी शामिल होगी, तभी तो सात लगातार क्रमागत संख्याएं मिलेगी धन पूर्णांक। तो इन पूर्णांकों में सबसे छोटा कौन सा होगा, सबसे छोटा बताना था, तो सबसे छोटा कौन सा होगा इसमें, सबसे छोटा 23 होगा, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। चलते अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9 लगातार आने वाली विषम संख्याओं का औसत 53 है। 9 लगातार आने वाली विषम संख्याओं का औसत कितना है, 53 है। 9 लगातार विषम संख्याएं लेनी है तो इसका मतलब एवरेज कितना है, 53। 53 भी विषम संख्या है, 9 है तो इसका मतलब 4 इधर लेनी पड़ेगी, 53, 55, 57 और 59। ठीक है, 53 के बाद इससे पहले 51, इससे पहले वाली 49, इससे पहले वाली एक और लेनी पड़ेगी भाई 61, इधर 47 और इससे पहले वाली 45। तो ये संख्याएं मिल गई मुझे, टोटल 9 संख्याएं मिल गई, एवरेज को भी काउंट करना है, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61। इनमें सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होगी, इसमें 45 होगी। सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होगी, विषम संख्या हो जाएगी इसमें 45। ठीक है, ये चीजें आपको पेपर में, जब आप पेपर सोल्व करने के लिए बैठो तो आपको ये पॉइंट नहीं लिखने, वहां पे कभी वहां पे सॉल्यूशन में भी लिखो सबसे छोटी विषम संख्या, हमने वाले पॉइंट लिखे और डायरेक्ट हमें दिखा सबसे छोटी 45 डिग्री, ऑप्शन पर क्लिक करो वही, कभी यहाँ पे इसमें टाइम खराब करो, ये टाइम आपको खराब नहीं करना, क्योंकि आपके पेपर में आपकी बार ऐसा सुनने में आ रहा कि SSC GD में शायद 30 मिनट और ना घटा दे, 90 मिनट की बजाय 60 मिनट हो सकती है, तो 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, और 100 की 100 की मैं तो रीजनिंग की तो मैं पूरी गारंटी लेता हूं कि आपको पेपर में पूरा मिल जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट फिर से आ गए, ABCDE 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, ABCDE ये 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, तो उनका औसत क्या होगा। देखो भाई विषम संख्याएं, अगर यह विषम संख्या 1 रही तो यह 3 रही होगी, या 5 रही होगी, या 7, और यह वाली 9 रही होगी। तो अगर मैं इसको आधार मान लूं 1, तो इससे पहले यह वाली संख्या कितनी जुड़ गई होगी, तो आप बोलोगे कि 2 जुड़ गए, इससे अगले वाली संख्या या 4 जुड़ गए, और इससे अगले वाली संख्या या 6 जुड़कर और इससे अगले वाली संख्या, सॉरी ये 2 जुड़ गए, ये 4 जुड़ गए, और यह 6 जुड़ गए, ठीक है, हाँ ठीक है, और ये वाली 8 जुड़ का ही होगी। अगर मैंने ए को तो ए ही मान लिया, तो बी को क्या लिख सकता हूँ मैं, ए के पदों में A+2, अगले वाली 2 जुड़ का आएगी। सी को कैसे लिख सकते हैं, A+4, इसमें 4 जुड़ का आएगी, इससे अगले वाली इसमें 6 जुड़ का आएगी, A+6, और ये वाली कितनी आएगी, A+8 आएगी। ठीक है, और हमें बताना था इन संख्याओं का औसत क्या होगा, औसत होता है बीच की वैल्यू, अब की बार A+4 क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन में गिवन है, ये क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये भी अच्छा सवाल था। चलते अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8 क्रमागत संख्याएं दी गई है, यदि मध्य में आने वाली 2 संख्याओं का औसत 6 है, तो सभी संख्या, तो 8 दी गई संख्याओं का योगफल कितना होगा। देखो भाई एवरेज कितना है, एवरेज है 6, संख्या कितनी है टोटल, संख्या है टोटल 8, हमें बताना था 8 दी गई संख्याओं का योगफल, मतलब सिग्मा एन निकालना है, एन पदों का योगफल। कैसे निकालते हैं, एवरेज की गुणा कर देते हैं एन के साथ, ऐसे तो निकालते हैं योगफल, एवरेज की गुणा करेंगे, इस पॉइंट को याद रखो, योगफल अगर हमें निकालना हो एवरेज की गुणा कर दो एन के साथ, तो एवरेज कितना 6, संख्या कितनी 8, 8 6 48 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, बेहद आसान सा है ये भी सवाल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 1, 2, 3 क्वेश्चन हो गए शायद, हो सकता है लास्ट ही हो, 2, 3, 4, 5 चार क्वेश्चन रह गए भाई। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन में 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है, इस क्वेश्चन को आप करके बताइए मेल से पहले, और कमेंट करके बताओ फटाफट, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है, 15 है, तदनुसार उनमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कितनी है, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या बतानी, एवरेज 15 है, सम संख्या 4 लेनी है, इससे पहले वाली 14 और ये यहाँ पे 16 रही होगी, इससे पहले वाली 12 और ये यहाँ पे कितनी रही होगी,
18 रही होगी। पहले नंबर की सबसे बड़ी संख्या 18, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या 16, दूसरी सबसे बड़ी संख्या, दूसरी दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी इसमें? 16 होगी, ना कि 18। ठीक है, चलते अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सात क्रमागत संख्याओं का औसत ए है। सात क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है? ए है। यदि दो संख्याएं जो इन सात संख्याओं से पहले भी ली जाए तो नया औसत कितना होगा? देखो भाई, सात संख्याएं थी, सात संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये सात संख्याएं थी, इनका ये वाला क्या था? एवरेज, क्योंकि क्रमागत थी। फिर क्या होगा? यदि दो संख्याएं क्रमागत है, ना तो सम ना ही विषम, यदि दो संख्याएं जो इन सात संख्याओं से पहले भी है ली जाए, अगर बाद की दो संख्याएं ले रहा मैं, बाद की दो संख्या एक ही है, एक ही है, तो दो के संख्या को जोड़ने से एक की वृद्धि होती है। चार संख्या लेने से कितने की वृद्धि होती है? दो की वृद्धि। छह संख्या लेने से तीन की वृद्धि होती है। आठ संख्या लेने से चार की वृद्धि होगी। दस संख्या लेने से पांच की वृद्धि होती है। तो इसमें कहा, ये तो थी अगर आगे की ली जाए, अगर पीछे की ली जाए तो जितनी पीछे को यहाँ पर वृद्धि हो रही थी, इतनी पीछे की लेने पे क्या हो जाएगी? कमी होगी एवरेज में। क्या होगा? एवरेज में कमी होगी अगर मैं पीछे की संख्या लेता हूं। अगर आगे की लेता हूं तो एवरेज में वृद्धि, पीछे की लेता हूं तो एवरेज में कमी आएगी। तो पहले एवरेज कितना था? उनका एवरेज था पहले ए, तो एवरेज में पहली दो शामिल करना, तो पहली दो शामिल करने से एक की वृद्धि, एक की कमी हो जाएगी, तो नया एवरेज कितना आएगा? नया औसत आएगा ए माइनस एक आ जाएगा। अगर आगे की दो शामिल करता तो दो के शामिल करने से एवरेज में एक की वृद्धि हो जाती, तो ए प्लस एक हो जाता। लेकिन अब की बात, पहले वाली दो शामिल कर रहा तो इसका मतलब एवरेज में एक की कमी आएगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड लास्ट है क्वेश्चन। आठ क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 38.5 है। इन आठ संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? देखो भाई, एवरेज कितना है? एवरेज है 38.5, इनका एवरेज है 38.5। इससे पहली क्रमागत संख्या 38 और यहाँ पे 39, इससे पहले वाली 37 और यहाँ पे 40, इसके बाद वाली 41, फिर 42, इससे पहले वाली 36, इससे पहले वाली 35, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, आठ लगातार क्रमागत संख्याएं मिल गई। इसमें बताना सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो सबसे बड़ी संख्या, संख्या लिखते ही आपका आंसर आ जाएगा, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई इसमें? 42 हो गई। यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का, बेहद आसान है। और पहले वाला जो पॉइंट मैंने यहाँ शुरू में लिखे थे, इस पॉइंट का यूज हो गया, इस पॉइंट को आपको याद रखना है। ये वाले में क्या क्या होगा? अगर एन सम संख्याएं का औसत, समझो इस पॉइंट को, तीन क्रमागत सम संख्याएं हैं, तीन क्रमागत ये संख्याएं हैं जिनका एवरेज कितना है? एवरेज है इनका ए। तो तीन क्रमागत संख्याएं हैं तो इनका एवरेज तो बीच वाली संख्या तो हो गई ए है। यदि आगे की पांच संख्याएं शामिल कर दी जाए, तो आगे की पांच संख्याओं शामिल कर ली, 2, 3, 4, 5, ठीक है, तो इनका एवरेज कितना हो जाएगा? तो नया एवरेज कितना आ जाएगा? नया एवरेज, मुझे आप ये बताइए कि आगे की संख्या शामिल कर रहा तो इसका मतलब एवरेज में जुड़ के आएगा, कितनी संख्या शामिल कर रहा? चार संख्या शामिल कर, पांच संख्या शामिल कर रहा, तो एवरेज में पांच की वृद्धि होगी, ढाई की वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि अब की बार क्रमागत संख्या नहीं कहा गया, उसमें कहा गया सम संख्या, सम हो या विषम हो, तो जितनी संख्या बढ़ावे उतनी ही एवरेज में वृद्धि। लेकिन अगर योनि चलने वाला पॉइंट, जितनी संख्या बढ़ावे तो उसके आधे की वृद्धि होगी एवरेज में। ये पॉइंट आपको याद रखना है। देखो कैसे, जैसे मेरे पास 4, 6, 8 ये संख्या थी, तीन सम संख्या थी, इनका एवरेज कितना था? 6 था। आगे की पांच संख्या और शामिल कर ली मैंने, क्या करा? पांच संख्या और शामिल कर ली, 10, 12, 14 और 18। टोटल संख्याएं कितनी हो गई? टोटल संख्या हो गई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और इनका एवरेज निकालना है, तो एवरेज कैसे निकालेंगे? छोटी संख्या, छोटी संख्या 4 प्लस बड़ी संख्या, क्योंकि डिफरेंस बराबर है, तो कितना आएगा? 22 का आधा 11, तो कितना आ जाएगा? 11। पहले एवरेज कितना था? 6,
अब एवरेज कितना हो गया 11, कितने की वृद्धि हुई, तो आप बोलोगे कि 5 की वृद्धि हो गई एवरेज में। अब 5 की वृद्धि कब हुई, जब मैंने 5 संख्या शामिल करी थी, तो एवरेज में कितने की वृद्धि हो जाएगी, 5 की वृद्धि। सम हो या विषम हो, जितनी संख्या बढ़ावे उतना ही एवरेज बढ़ जाएगा, लेकिन अगर प्राकृत हो या क्रमागत संख्या हो तो जितनी संख्या बढ़ावे उतने की आधे की एवरेज में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो आज के बस ये क्वेश्चन थे, लास्ट क्वेश्चन था ये। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।